तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन आती हो जैसा कि हमारे सर के साथ आ रही है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट में सीआर दिख रहा है। यहाँ सीआर का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है, और डीआर का मतलब होता है डेबिट। लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है, यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी कभी आ सकती है ऐसी सिचुएशन टैली में काम करते वक्त, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार बैक स्पेस की प्रेस करनी है और यहां से सीआर को बना देना डीआर, क्योंकि एक बार क्रेडिट हो गया तो दूसरे बार डेबिट हमको करना है। हो सकता है आपको क्रेडिट की भी जरूरत पड़े, क्रेडिट के बाद फिर क्रेडिट की जरूरत पड़े, ये आगे के लिए आपको ये चीजें होंगी ऐसी आपके साथ। लेकिन अभी के लिए अगर यहाँ डीआर करना है तो यहाँ पे जाकर डीआर टाइप कर दीजिए, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी आगे आप एंट्री कर ही लेंगे, ठीक है, ओके।